जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र जी, शांति डेंटल क्लिनिक विदेश MDS, पुत्र अर्जुन यादव, पूर्व वार्ड पार्षद रामदेव नगर महादेवा सिवान बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। आपको बताते चले, बीते कुछ दिनों की घटना है, एक बुजुर्ग के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था जिनका नाम कमलेश सिंह है। बताया जा रहा है कि जो चैनपुर मुबारकपुर के रहने वाले कमलेश सिंह अपनी ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे थे, तभी एक प्लानिंग के तहत ब्रह्मा महतो, कृष्णा महतो, शंकर महतो, मंगल महतो, रुदल महतो, पंकज महतो एवं अज्ञात 20 से 25 की संख्या में महिला एवं पुरुष लाठी डंडा तलवार से उन पर वार कर दिया, जिससे कमलेश सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस फौरन पहुंचकर बयान दर्ज की। अब देखना यह है कि SP शैलेश कुमार सिन्हा कब तक इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। देखते रहे।